नमस्कार दोस्तों, यूटीबी न्यूज़ 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को महान खिलाड़ी मानते हो और आप भी देखना चाहते हो कि भाई इंडिया श्रीलंका मैच से पहले दूसरे इंट्रा स्क्वाड मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने कैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, पहले इंट्रा स्क्वाड मैच में भुवनेश्वर कुमार की टीम को हार का सामना करना पड़ा, मगर दोस्तों दूसरे इंट्रा स्क्वाड मैच में भुवनेश्वर कुमार की टीम ने 63 रन से जीतने के बाद इतिहास रचा, जहां पर भुवनेश्वर कुमार की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, देवदत्त पाडिकल, ऋतुराज गायकवाड़, चाहे फिर वो ईशान किशन क्यों ना हो, सभी खिलाड़ी कोई भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। भुवनेश्वर कुमार की टीम ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया, तो ओपनिंग का जिम्मा संभाला देवदत्त पाडिकल और ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों, चेन्नई के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां पर देवदत्त पाडिकल की बात करें पहले, तो देवदत्त पाडिकल ने 35 रन की पारी खेली और 35 रन का योगदान दिया। जैसे ही देवदत्त पाडिकल आउट हुए तो ईशान किशन खेलने के लिए आए, ईशान किशन 0 पर आउट हो गए और उसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का साथ निभाया हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव ने। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव ने भी कोहराम मचा दिया, मगर दोस्तों हमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी चेन्नई के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 छक्के और 5 चौके की मदद से मात्र 30 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन की विस्फोटक नाबाद पारी खेल डाली, जिसकी बदौलत उनकी टीम ने इस मुकाबले को 63 रन के बड़े अंतर से जीतने के बाद इतिहास रचा। और दोस्तों, अब देखना तो ये होगा कि सीरीज स्टार्ट होने वाली है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि 13 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में पहले 3 वनडे खेले जाएंगे और 21 से लेकर 25 तक 3 T20 मुकाबले खेले जाने हैं। दोस्तों, इन दोनों सीरीजों को कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया या फिर श्रीलंका, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतने था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीबी न्यूज़ 24।